मुगल स्टेट एजेंसी है, तो वो बोलते हैं ये फ्रॉड है, ये फ्रॉडी है। हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हम आपके लिए बस यही कर सकते हैं कि आपको दवाएं दे सकते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। हम गरीब बंदे हैं, पुलिस स्टेशन भी जाएंगे उधर भी हमारा पैसा लगेगा। मैंने उनसे जाके मिन्नत समाजित की है कि हमें 2 साल के लिए खाना दे दिया करो, ताकि मैं पैसे जमा करके किश्तें भर लूं। राणा टाउन में मैं रहता हूँ, ठीक है, किराए पर रहता हूँ, 5,000 रुपया किराया दे रहा हूँ और 13,000 रुपया किश्त थी उसकी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला। आज एक दुखी और अहम स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप यकीन माने ये स्टोरी बताते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरे साथ एक गरीब मेहनतकश मौजूद हैं, ये मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, और इनके 5 बच्चे हैं, इनकी जोजा भी हमारे साथ हैं, और इन्होंने मेहनत मजदूरी करके 4,10,000 रुपया किसी वडेरे को जमा करा दिया प्लॉट लेने की के लिए। 5,00,000 रुपया उसकी टोटल कीमत थी। उसके बाद ये चक्कर लगा लगा कर थक गया। अब गरीब इंसान कहाँ जाए? हमारे साथ मोहम्मद अशरफ भाई मौजूद हैं, हम इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। अशरफ भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। अशरफ भाई मुझे बताएं कि आपका क्या मसला है और कब से हुआ और किस तरह हुआ, जरा ये बताएं प्लॉट का। सर मैंने किश्तों पर प्लॉट लिया है, ठीक है। किन से प्लॉट लिया है? आपको कैसे पता चला था कि यहाँ प्लॉट बिक रहे हैं? किसने आपको बताया था, कैसे हुआ था? जो मोहल्ले में एक ठेकेदार था, उसने कहा कि ये अच्छी जगह ले लो, ठीक है। मैंने बोला चलो किराए पर बैठा हुआ हूँ, चलो कभी कभी तो बनेगा ना अपना। राणा टाउन में मैं रहता हूँ, ठीक है, किराए पर रहता हूँ, 5,000 रुपया किराया दे रहा हूँ और 13,000 रुपया किश्त थी उसकी, ठीक है। बताली चक के पास ही वो टाउन है जहाँ पर मैंने 5 मरले जगह ली थी। उसका नाम क्या है, उस टाउन का नाम क्या? उसका नाम है मुगल स्टेट एजेंसी है। ठीक है, मुगल स्टेट एजेंसी वाले, उनसे लिया प्लाट। कौन बंदा था जो आपसे पैसे लिया करता था, उसका नाम? मुगल, अमजद मुगल उसका नाम है, वो खुद मालिक है उसका, उस जगह का मालिक है। और काफी लोगों से मैंने पूछा कि वो बोलते हैं ये फ्रॉड है, ये फ्रॉडी है। तो मैंने उनसे कहा यार तुम्हारे पास प्लॉट नहीं है। 1 साल गुजर गया था चक्कर लगाते लगाते, प्लॉट नहीं है, चलो मुझे प्रॉफिट ना दो, जो मैंने पैसे दिए हैं वही मुझे दे दो। वो फिर यही बोल रहा है आ जाओ कल आओ, मैं तो गरीब बंदा हूँ किधर जाऊँ, मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं है अब कि मैं अपने बच्चों को कुछ खिला सकूँ, ठीक है, मैं तो किराया ही पूरा नहीं कर सकता। आपने जो उनको पैसे दिए उनकी कोई रसीदें मौजूद हैं, सबूत है? मेरे पास रसीदें मुकम्मल मौजूद हैं और 100 वाला स्टाम्प करके दिया है उन्होंने। अच्छा, कैसे कैसे आपने पैसे दिए? पहले कितने दिए, फिर कितने दिए? पहले एडवांस मैंने 50,000 रुपया दिया था, उसके बाद 13,000 रुपया किश्त दे रहा था। बाजी आप क्या कहना चाहेंगी, इतने अरसे से आप लोगों के पैसे भी लगी हैं, आप लोग परेशान भी हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? भाई हमने ये जो प्लाट लिया है ना, ये बहुत मेहनत मजदूरी करके लिया है। ये प्लाट जो है ना, एक मेरी 7 बहन है, उसका आधा प्लाट उसका है और आधा हमारा है। हमारे जो इधर ऐसे गार्डन है ना, वहाँ से मैंने एक औरत खाना खिलाती है लोगों को। मैंने उनसे जाके मिन्नत समाजित की है कि हमें 2 साल के लिए खाना दे दिया करो, ताकि मैं पैसे जमा करके किश्तें भर लूं। तो उन्होंने मुझे खाना वगैरह भी दिया है, 3 टाइम का खाना दिया उन्होंने, जिससे हमने अपने पैसे जमा करके किश्तें अदा की है। जो 7 मेरी बहन है, उसका मियाँ दमे का मरीज है, वो भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। एक यतीम बेवा उसकी भाभी है, उसका भी उसके साथ ही रहता है। कि बराए मेहरबानी करके हमें हमारे या तो पैसे दे दें, या हमें कोई अच्छी जगह दे दें, कि हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हम आपके लिए बस यही कर सकते हैं कि आपको दवाएं दे सकते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। आपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन नहीं दी उसके खिलाफ? हम गरीब बंदे हैं, पुलिस स्टेशन भी जाएंगे उधर भी हमारा पैसा लगेगा, हम इतने यानी कि हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम कोई खर्चा कर सके। वजीर आजम पाकिस्तान से आप क्या अपील करते हैं? हमारी तो यही अपील है कि जो अगर वो प्लाट दे सकते हैं ठीक है, नहीं दे सकते हमें हमारे पैसे दें और हम आगे कोई माड़ी मोटी जगह ले सकें अपने लिए। ये हमारे साथ एक दुखी फैमिली, अशरफ भाई और उनकी जोजा मौजूद थी। आपने देखा कि किस तरीके से वो खाना मांग मांग के खाते रहे और अपना पेट काट काट कर, अपने बच्चों का पेट काट काट कर एक छत बनाने की उन्होंने कोशिश की,
और सांप की तरह इनके सारे सरमाए को हजम कर गया, एक सरमायादार। अब ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि ये पुलिस के पास जाने से भी कतरा रहे हैं। इनको पता है कि अगर हम थाने में गए तो वो अलग से मांगेंगे। इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। मुझे बताएं कि एक गरीब मेहनत कश बंदा अब कहां जाए? अगर ये पांचों बच्चों को ले जाकर समंदर में, नहर में कूद ना जाए तो फिर क्या करें? भूख से बिलकते बच्चों को कैसे देख सकते हैं? ये जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, अगर कोई सिंसियर और संजीदा बंदा है, अगर वो चाहता है इस मसले का हल, और आपको ये सारी रसीदें स्क्रीन पे शो हो रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस मसले का हल निकालना चाहते हैं तो इस गरीब बेबस की मदद करें, और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोज आपके सामने लाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।